खुद कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरेहार चौकी अंतर्गत ग्राम फरेहार दक्षिण बस्ती निवासिनी महिला अपने भाई की तबीयत खराब होने की वजह से भाई को देखने हॉस्पिटल जा रही थी। जब वह अपने घर से मात्र 100 मीटर दूर पहुंची थी कि तेज रफ्तार मोटर वाहन ने गलत साइड में जाकर महिला और उसकी बहन व बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला वहीं पर बेहोश हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से महिला को उपचार के लिए नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार फरेहा निवासिनी महिला सीमा पत्नी अमरीक प्रसाद अपने भाई को देखने अपनी बहन व बेटी के साथ मायके जा रही थी कि आजमगढ़ से सरायमीर की तरफ आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP50Y6209 ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों लोगों को काफी गंभीर रूप से चोटें आई हैं। चालक अरशद जमाल पुत्र स्वर्गीय रईस ग्राम असीलपुर मौके से मोटर वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा, जिसके बाद मोटर वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। आजमगढ़ अंबारी से रेशम चौहान की खास रिपोर्ट। आप कहाँ जा रही थी? मायके जा रही थी, छोटी बहन को आलमपुर लेकर पहुंचाने जा रही थी। तब तक मैं भी रोड से अपनी चढ़ रही थी, तभी तक दो चक्का वाला आके मार दिया। किधर से दो चक्का आ रहा था? दो चक्कर तो दो ही ओर से आ रहा था, इधर बाएं से भी अंदर तरह जिसने आपको टक्कर वाले रोड से टक्कर जो मारा वो फरिया तरफ से आ रहा था। हाँ, गाड़ी फरिया ओर से आ रहा था। गाड़ी दो चक्कर थे। कितनी रफ्तार थी? लगभग तेज थी? कैसे आ रही थी? बहुत तेज थी। हाँ। आपको क्या गाड़ी नीचे आ गई थी क्या? नहीं, हम लोग अभी चढ़ रहे थे रोड पे। अच्छा, धक्का मारा? हाँ, उठा के पूरा फेंक दिया हम लोग को, खंभा से पार भी फटने के लिए बच गया। और आपकी साथ में कोई बच्ची भी थी? हाँ, उनका एक बच्ची, वो भी एक छोटी सी बच्ची, उसको भी ये भी फट गई थोड़ा सा, कान लगी, कान में खून आ गया। और एक आपकी ये बच्ची का? ये तो बहुत दर्द कर रहा है, उठ नहीं पा रही हूँ। कहाँ पे आप जा रही थी? मैं के मार्केट की जगह हाजीपुर। हाजीपुर।